हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सायरा सत्तानी के ऊपर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इन दिनों में सायरा सत्तानी और अयूब शेख की फाइट चल रही है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। और सबसे पहले तो मैं सायरा सत्तानी मैम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को अप्रिशिएट किया हमारी वीडियोज़ के लिए, और जो भी हमने अपनी वीडियोस के थ्रू बातें सामने रखी उन सब चीज़ों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। और उन्हें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला है कि वो कुछ सवालों के जवाब जो हमारी वीडियोस के थ्रू उनके पास पहुँचे हैं, या फिर कोई भी जिसने यूट्यूबर्स ने जिन्होंने उनके अगेंस्ट में या उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है और उनके पास कुछ सवाल पहुंचे हैं जिसके उन्होंने जवाब दिए हैं, और उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि हमारे चैनल्स के द्वारा उन्हें बहुत कुछ हेल्प मिली है और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला है बात करने की। तो लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर सायरा सत्तानी ने एक क्वेश्चन भी रखा है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली सायरा सत्तानी ने एक वीडियो में बताया था कि जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी जो उनके सामने सवाल रखे गए थे, जैसे 15 लाख का मैटर और तलाक की बात, और जो अयूब शेख की पहली फैमिली है उनके बीच उनकी फैमिली को सोशल मीडिया पे लाने से रिलेटिव सारी चीज़ों को उन्होंने खुल के शेयर किया है। अभी रिसेंटली अयूब शेख ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने दावत दी, यानी कि जो गोल्डन ग्रुप के लोग हैं, यानी मरियम शेख, इमरान और जो भी जितने भी लोग हैं गोल्डन ग्रुप में जो सायरा सत्तानी के अगेंस्ट में हैं, उन्होंने उनको दावत की, बहुत कुछ खिलाया पिलाया अपने हाथों से बना के। तो इस सब चीज़ों का सायरा सत्तानी ने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, और उनको बुरा इसलिए लगा कि उन्होंने अपनी एक दिल की बात सामने रखी कि आप उन लोगों के साथ उन लोगों को खिला पिला रहे हैं जो आपकी वाइफ को बदनाम करते हैं, जो आपकी वाइफ को किसी और मर्द के साथ जोड़ते हैं और सोशल मीडिया पर खूब बदनाम करते हैं। इसके साथ उनका एक ये थॉट भी था कि जो वो करते हैं एज ए मोमिन, जो वो खाना खिलाते हैं, वो एक अच्छा काम है, लेकिन उन्होंने उनका दिल इस चीज़ से दुखा है। तो उन्होंने हमसे ये सवाल किया है कि जो अयूब ने किया, क्या वो सही है या गलत। जी हाँ, उन्होंने हम यूट्यूबर से ये सवाल किया है जो भी उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उनके से उन्होंने ये सवाल किया है कि जो अयूब शेख ने किया वो सही है या गलत। तो मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, एज अकॉर्डिंग टू मी वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत है। किसी को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उस खाने खिलाने के पीछे आपका मकसद क्या है वो बहुत मायने करता है। क्या आप सच में सच्चे दिल से किसी को खाना खिलाते हैं या फिर अपना मतलब निकालने के लिए। मैम सायरा सत्तानी मैम, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अयूब शेख जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, क्योंकि सबसे पहले आपका उनका आपके साथ रिलेशन है, क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं, तो उनका सबसे पहले आपके साथ फ़र्ज है कि वो आपकी इज्जत करे, और जो कोई आपकी इज्जत के ऊपर उंगली उठाते हैं वो उनके साथ खड़े ना हो। क्योंकि एक शौहर का जो पहला कर्तव्य होता है वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है, ना कि उसे बाजार में सरेआम बदनाम करना, और वो भी ऐसे लोगों के साथ महफिल दे जमाना जो कि पहले से ही आपकी वाइफ के अगेंस्ट में है और उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पर, उनके खुद के बेटे के साथ उंगली उठाते हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ मिल के बैठ के दावतें उड़ा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो मैं तो सोचती हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। अयूब शेख यहाँ पर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अयूब शेख इसके बीच बीच बहुत सी वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो सायरा सत्तानी मैडम को बहुत मिस करते हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं वो उसमें खुश नहीं है, और वो आज भी उनको प्यार करते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये डबल कैरेक्टर है जो कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल सिंपैथी गेन करना चाहता है, सिर्फ अपने मतलब से वो वीडियोस डालते हैं ताकि सोशल मीडिया पे उनकी एक पॉजिटिव इमेज रहे, क्योंकि आपके फॉलोवर्स बहुत अच्छे हैं, आपके एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, तो अगर सोशल मीडिया पे उनको भी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग बनानी है तो उनको आपके साथ भी बना रहने को दिखाना पड़ेगा, यानी कि उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वो जो भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो आपके साथ है, आप
आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और वो जो भी करेक्टर प्ले कर रहे हैं इस टाइम, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अपने आप को फोकस्ड करके कर रहे हैं। वो गोल्डन ग्रुप के लोगों के साथ भी इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो 15 लाख रुपये लिए हैं, तो उनके साथ भी वो इसीलिए जुड़े हैं कि ताकि वो जो 15 लाख का मैटर है वो सब चीज़ें आपके ऊपर आ जाए। और वो इंटरनली बहुत कुछ बातें करते हैं जो कि सोशल मीडिया पे वो शेयर नहीं करते हैं। वो गोल्डन ग्रुप के साथ भी इसीलिए जुड़े हैं कि वो आपको बदनाम कर सके, आपको डिफेम कर सके। तो मैम, मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू सिंपैथी गेन कर रहे हैं, और वहीं इंटरनली वो गोल्डन ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर आपको नीचे गिरा रहे हैं, और दोनों तरफ से वो एक पॉजिटिव अपने लिए इमेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि कोई भी उनके लिए गलत ना बोले, और हर तरफ से उनको सिंपैथी मिले और हर तरफ से उनका फ़ायदा हो। यहाँ पे वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो किसी के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी एक बात है मैम, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपने गोल्डन ग्रुप के पीपल के साथ आपने दूरी सिर्फ अय्यूब शेख के लिए बनाई, यानी कि अपने हस्बैंड के लिए बनाई, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, उनके खिलाफ़ आप बुरी बातें नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन जब बात आपके ऊपर आई तो अय्यूब शेख ने एकदम फ्लिप मार लिया। उन्होंने जब बात आपको डिफेम करने की आई तो उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर जो पहले उन्हें बुरा बोलते थे, पहले उन्हें गाली गलौज करते थे, मिलकर आज वो आप लोग आपके लिए गलत बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है? जी नहीं मैम। अगर जब प्यार का मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, क्योंकि आपने जब आपके हस्बैंड के ऊपर बुरा वक्त था तो आप साथ में खड़ी थी, लेकिन चीज़ें जब आज आपके अगेंस्ट में चली गई तो आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े नहीं हैं, इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़े थे। और जब इंसान किसी के साथ रहता है तो एक अटैचमेंट हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं। आप फिर से उनकी बातों में ना आए, गलत फहमियों में उनकी शॉर्ट्स वीडियोज़ देख के आप बहकावे में ना आए, मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैम आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। सोशल मीडिया पर हम उतना ही दिखाते हैं जितना हम दिखाना चाहते हैं, और जैसा हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं उसी तरीके से हम सोशल मीडिया पर अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं या फिर इमेज को बिल्ड करते हैं। तो अय्यूब शेख उसी तरीके से अभी अपनी इमेज को क्रिएट कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस पे ना जाके आप उनके एक्शंस को देखिए। थैंक यू।